स्वागत है आपका आईपीएल 2020 के लिए सभी टीमों के स्पिनर्स की बात जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जहां पर आठों टीमों के 42 स्पिनर्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी टीम के पास कौन कौन से स्पिनर्स के विकल्प यहां पर मौजूद हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम के पास है सबसे बढ़िया स्पिनर्स, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उस टीम की जिनके पास सबसे ज्यादा स्पिनर है, जो की है चेन्नई सुपर किंग की टीम। टोटल 8 स्पिन के विकल्प है चेन्नई सुपर किंग के पास, जिनमें इमरान ताहिर, हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा, सेंटनर और करण शर्मा जैसे स्पिनर हैं जिन्हें इन्होंने रिटेन किया था। वहीं ऑक्शन में दोस्तों ये लेकर आ चुके हैं पीयूष चावला को, आर साई किशोर को। वहीं दोस्तों केदार जाधव भी एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, हमने देखा है इंडिया के लिए इन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस जो है वो दिए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग के पास कमाल के 8 स्पिनर है। चेन्नई सुपर किंग के बाद अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जिनके पास यहां पर 4 स्पिन के काफी अच्छे विकल्प हैं, जिनमें अमित मिश्रा हैं, संदीप लमेछाने हैं, अक्षर पटेल हैं, ये 3 इन्होंने रिटेन किए थे। वहीं ये लेकर आ चुके हैं आर अश्विन को, जो कि कमाल के स्पिनर हैं और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो हैदराबाद के पास भी दोस्तों 4 बहुत ही बढ़िया स्पिनर हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है राशिद खान का, जिन्हें इन्होंने रिटेन किया था। शहबाज नदीम है, मोहम्मद नबी दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, स्पिनर भी काफी अच्छे हैं, और फैबियन एलन को ये टीम लेकर आई है, ये भी बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, ऑलराउंडर हैं। तो ये बात हुई दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की। बात करते हैं अब राजस्थान रॉयल्स की, तो आरआर के जो मेन स्पिनर होने वाले हैं वो होने वाले हैं दोस्तों सुरेश गोपाल और मयंक मारकंडे। मारकंडे को ये टीम ट्रेड कर लेकर आई है, इनके बाद राहुल तिवाटिया है, इन्हें भी ये टीम ट्रेड कर लेकर आई है, और 2 ऑलराउंडर हैं जो कि काफी अच्छे स्पिन के विकल्प हैं, जिनमें रियान पराग है और महिपाल लोमरोर है। तो ये 5 स्पिनर जो है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के पास भी अवेलेबल है। राजस्थान रॉयल्स के बाद अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो केकेआर के जो मेन स्पिनर है वो हैं दोस्तों कुलदीप यादव और सुनील नरेन। इनके अलावा ये टीम वरुण चक्रवर्ती को लेकर आई है, ये भी बहुत ही बढ़िया स्पिनर है। परवीन है यहाँ पर, परवीन तांबे, ये भी काफी अच्छे स्पिनर है, 48 वर्ष के हैं, और क्रिस ग्रीन बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, स्पिनर भी काफी अच्छे हैं, और एम सिद्धार्थ को भी ये टीम लेकर आई है इनके बेस प्राइस यानी कि 20 लाख रुपए में। तो ये 6 स्पिनर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी हैं। बात करें किंग्स 11 पंजाब की, टोटल 7 इनके पास स्पिन के विकल्प हैं, जिनमें मेन है दोस्तों मुजीबुर रहमान, मुर्गन अश्विन, इनके अलावा रवि बिश्नोई को ये टीम लेकर आई है, काफी अच्छे स्पिनर हैं, हरप्रीत बरार हैं टीम के पास, कृष्णप्पा गौतम को ये टीम ट्रेड कर लाई है, ये भी काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, जे सुचित को ये टीम ट्रेड कर लेकर आई है, और मैक्सवेल को इन्होंने खरीदा है, मैक्सवेल भी काफी अच्छे स्पिन का विकल्प जो है वो देते हैं। तो बात हुई दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस के पास भी 4 यहां पर स्पिन के विकल्प हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है राहुल चहर का, इनके मेन रिस्ट स्पिनर, जयंत यादव है दोस्तों टीम के पास, कुणाल पंड्या हैं और अनुकूल रॉय, ये 4 स्पिन के विकल्प हैं मुंबई इंडियंस के पास भी। और एंड में बात करते हैं दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो आरसीबी के पास भी यहां पर 4 स्पिन के जो है यहां पर ऑप्शन है, जिनमें इनके सबसे मेन स्पिनर है युजविंदर चहल, वॉशिंगटन सुंदर, इनके अलावा दोस्तों मोइन अली है के पास जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, पवन नेगी भी दोस्तों स्पिन का काफी अच्छा विकल्प हैं। तो ये 4 स्पिनर हैं यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, और 8 टीमों की हमने बात करी, 8 टीमों के स्पिनर्स आपको बताए, जहां पर टोटल 42 स्पिनर्स के बारे में हमने यहां पर बातचीत करी। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम के पास सबसे बढ़िया स्पिनर है और कौन सा स्पिनर जो है आईपीएल 2020 में छाए रहने वाला है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।